एबीडी भाई ऐसा नहीं करना था, अगले साल की आईपीएल खेल लेते, अभी तो आपके पास बहुत समय था। बबू अरे एक ना एक दिन तो रिटायरमेंट लेना ही था, इसलिए आज ले लिया। यहाँ आपने रिटायरमेंट भी ले लिया और यहाँ एक मैं हूँ, मेरी यहाँ पे शादी भी नहीं हुई। ए पोपट भाई इमोशनल सीन को कॉमेडी मत कर। मतलब आपको मेरी लाइफ कॉमेडी लगती है क्या? ऐसा मत कहो भाई, दिल से बुरा लगता है। दिमाग से बुरा मानना सीख ले, दिल से बुरा नहीं लगेगा। बबू अरे पोपट तेरी याद बहुत आएगी मुझे, काश आरसी भी जीत जाती और तेरी शादी हो जाती, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दुनिया में अधूरी रह जाती है। इसका मतलब मेरी शादी नहीं होगी, मैं अधूरा रह जाऊंगा? नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। अधूरी तो आपके बिना रहेंगे आरसीबी टीम, क्योंकि आरसीबी के लिए आप सोप के अंदर से निकले जीरे हो। हाँ आप हमारे लिए हीरे हो, आपने हमें इमोशनल कर दिया। एबीडी भाई मैं भी इस टीम में था कभी ना कभी, लेकिन आपकी याद सताएंगी मुझे। बबू अरे मैं आपको टीवी से देखूंगा, आप लोग मुझे कैमरे से देख लेना। अरे वाह ऐसा कैमरा कहाँ पे? आपके दिल में कैमरा है, उसे महसूस करो। मैंने कप्तानी इसलिए छोड़ी थी ताकि आप कप्तानी करो, लेकिन आपने ही संन्यास ले लिया। बबू अरे होनी को कौन टाल सकता है, एक दिन तो संन्यास लेना ही था, इसलिए आज ले लिया। अब आरसीबी में कप्तानी कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा मतलब मैं हूँ ना भाई, मैंने बात कर ली है, अगले साल आरसीबी के लिए मैं कप्तानी करूंगा। बबू अरे अगर आरसीबी के लिए तुम कप्तानी करोगे तो आरसीबी ट्रॉफी पक्का जीतेगी। ट्रॉफी नहीं ट्रॉफी जीतेगी। आपको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। बबू अरे चाल के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, वो चतुर ही नहीं वो चालाक भी है, वो चालाक ही से आईपीएल जीतेगा। चलो कोई तो है जिसका मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मेरा भी आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि तुम आरसीबी के कैप्टन बनो। ए चल अपने चाचा को मत सिखा, बड़े आए कप्तानी करने वाले, जब मिस्टर 360 हमारी टीम में नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, आरसीबी की किस्मत भी बदल जाएगी, वो जल्द ही ट्रॉफी ले आएगी। चलो अच्छी बात है आपने मुझे उम्मीद दे दी, अब मैं अपने लिए शादी का घोड़ा तैयार करूंगा। शादी के लिए घोड़ा नहीं घोड़ी पे बैठते हैं क्या यार पोपट? देखो मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरे लिए घोड़ा भी फीमेल नहीं मिलता है। तू जीमेल में सर्च कर तुझे फीमेल घोड़ा मिल जाएगा। पोपट लाल को फीमेल घोड़ा मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट करके कि मुझे इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना था ये नहीं। आप अपने दिल की बात कमेंट करके बताइए। हाँ जल्दी कमेंट कीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई करेंगे। और बबू अरे हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए।